Hello, friends. You can't cross an ocean just by standing and staring at it from the shore. These words pivot on the deduction that nothing can be achieved just by contemplating sitting idle. You'll have to painstakingly exert yourself to achieve something. Yes, I'm talking about the beauty of language that hinges partially on the best use of words. And if you are judicious in the selection of words, you will have perfect language so let's start our voyage of word power students we are going to learn five words in five minutes and our today's five words are repugnance emulate penchant uncouth and assorted so let's begin with the first word students repugnance <inaudible> A strong dislike or strong फीलिंग ऑफ disgust, रिपल्शन रिपग्नेंस होता है एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आई tried टू ओवरकम रिपग्नेंस फॉर हिम मैंने उसके लिए जो मेरी घृणा थी उस पर उसको कम करने की मैंने कोशिश की एक और एग्जाम्पल आई वॉज फिल्ड विद रिपग्नेंस वेन आई सॉ हिम इटिंग सैविजली मैंने जब उसको बुरी तरीके से खाते हुए खाना खाते हुए देखा तो मेरे मन में उसके लिए घृणा पैदा हुई नेक्स्ट वर्ड इमुलेट इम्युलेट एक वर्ब है क्रिया है जिसका अर्थ होता है अनुकरण करना मतलब आपको कोई बहुत अच्छा लगता है उसके जैसे के जैसा काम करना आप चाहते हो वो इम्युलेट होता है टू कॉपी समथिंग अचीव बाय समबडी यू कैन कॉल इट इमिटेट और ट्राई टू इक्वल समबडी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं शी ट्राइज टू इम्युलेट हर मदर सक्सेस वो अपनी माँ की सफलता के का अनुकरण करने की कोशिश करती है एक और एग्जाम्पल आई ग्रू अप ट्राइंग टू इम्यूलेट माई फादर मैं मेरे पिता की कॉपी करनी नकल करने उनके जैसे अनुकरण करने की कोशिश करते हुए बड़ा हुआ इसी से जो एक नाउन बनता है वो होता है इम्यूलेशन अनुकरण हो गया एक्ट ऑफ कॉपिंग एग्जाम्पल देखते हैं हिज एक्ट्स ऑफ हिज एक्ट्स आर ऑलवेज वर्द ऑफ इम्यूलेशन उसके सारे जो एक्ट्स थे वो अनुकरण करने के लायक थे अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड इज ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विशेष रुचि या पसंद किसी के लिए स्पेशल लाइकिंग फॉर समबडी इसको आप फॉन्डनेस कह सकते हो स्टूडेंट्स याद रखना पेंशेंट फॉर समथिंग होता है फॉर फिक्स इसके साथ में प्रपोजिशन लगता है एग्जाम्पल देखते हैं आई हैव पेंशेंट फॉर राजस्थानी फूड मतलब मैं राजस्थानी खाने में रुचि रखता हूँ उसके लिए प्रति मेरी पसंद है एक और एग्जाम्पल माई फादर हैज पेंशन फॉर ओल्ड सॉन्ग्स मेरे फादर का पुराने गानों में रुचि है नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड अनकूथ ये एक एडजेक्टिव होता है विशेषण जिसका अर्थ होता है असिस्ट या असभ्य आप इसे कह सकते हो रूट और वन हु इज वेरी सोशली अनएक्सेप्टेबल ऑकवर्ड कोर्स ये इसके सिनोनिम्स हैं इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हर अनकु बिहेवियर एम्बेसिस मी उसका जो इतना असभ्य व्यवहार है वो मुझे बहुत ही परेशान करता है एक और एग्जाम्पल आई कैन नॉट पुट अप विद हिज अनकु मैनर्स मैं उसके असभ्य जो तौर तरीके हैं उसको सहन नहीं कर सकता हूँ अब आगे बढ़ते हैं अनार लास्ट वर्ड इज असॉटेड असोटेड इसका मतलब होता है विभिन्न या मिश्रित ठीक है इसको आप कह सकते हो वेरियस काइंड्स और सॉर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ वेरियस टाइप्स डाइवर्स इसको कह सकते हैं सनरी कह सकते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं हर फादर गिफ्टेड मी अ बॉक्स ऑफ असोल्टेड चॉकलेट्स उसके फादर ने मुझे अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स का बॉक्स गिफ्ट किया एक और एग्जाम्पल ही वॉज सर्व विद असोल्टेड स्वीट्स उसे अलग अलग तरीके के जो मिठाई है वो उसको दी गई सो स्टूडेंट्स दीज आर फाइव आर फाइव वर्ड्स आई होप दैट यू लाइक दीज वर्ड्स स्टूडेंट्स दीज वर्ड्स आर रियली वेरी important for you and these words and these this word series will play a significant role in your forthcoming exams and if you are very serious with this video series this series is going to help you a lot so keep tuned keep watching our video series thank you very much